नमस्ते छात्रों, हमारे निबंध लेखन की श्रृंखला में आज के वीडियो का विषय है परिश्रम का महत्व। सफलता की एकमात्र कुंजी परिश्रम है। परिश्रमी ही समृद्ध और संपन्न है। जी हाँ, मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी काम किए बिना नहीं रह सकता है। कठोर परिश्रम से ही मनुष्य समृद्ध बनता है, सफलता उसके कदम चूमती है। मनुष्य परिश्रम करके अपने जीवन की हर समस्या से छुटकारा पा सकता है। हम सफलता से केवल उतना ही दूर है जितना कि हम कड़ी मेहनत से दूर है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो परिश्रम से सफल ना हो सके। जो पुरुष दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं उनके लिए विश्व का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। वास्तव में बिना श्रम के मानव जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती है। श्रम से ही उन्नति और विकास का मार्ग खुल सकता है। परिश्रम और प्रयास की बहुत महिमा होती है। अगर मनुष्य परिश्रम नहीं करता तो आज संसार में कुछ भी नहीं होता। आज संसार ने जो इतनी उन्नति की है वह सब परिश्रम का ही परिणाम है। परिश्रमी व्यक्ति ही किसी समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना पाते हैं। अपने परिश्रम के माध्यम से ही कोई व्यक्ति भीड़ से उठकर एक महान कलाकार, शिल्पी, इंजीनियर, डॉक्टर अथवा एक महान वैज्ञानिक बनता है। वह कहते हैं ना, एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। परिश्रम पर पूर्ण आस्था रखने वाले व्यक्ति ही प्रतिस्पर्धाओं यानी कॉम्पिटिशन्स में विजयश्री प्राप्त करते हैं, यानी उसमें विक्ट्री प्राप्त करते हैं। किसी देश में नागरिकों की कर्म साधना और कठिन परिश्रम ही उस देश व राष्ट्र को विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठित करता है। परिश्रम अथवा कार्य ही मनुष्य की वास्तविक पूजा अर्चना है। इस पूजा के बिना मनुष्य का सुखी समृद्ध होना अत्यंत कठिन है। वह व्यक्ति जो परिश्रम से दूर रहता है, अर्थात कर्महीन आलसी व्यक्ति, सदैव दुखी व दूसरों पर निर्भर रहने वाला होता है। जिस तरह से बिल्ली के मुंह में चूहे खुद ही आकर नहीं बैठते हैं, उसी तरह से मनुष्य के पास बिना परिश्रम के उन्नति और विकास खुद ही नहीं हो जाते हैं। परिश्रम के बिना कभी भी मनुष्य का काम सफल नहीं हो सकता है। परिश्रमी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें जिस वस्तु की आकांक्षा होती है उसे पाने के लिए रास्ता चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति मुश्किलों व संकटों के आने से भयभीत नहीं होते, अपितु उस संकट के निदान का हल ढूंढते हैं। अपनी कमियों के लिए वे दूसरों पर लांछन या दोषारोपण नहीं करते। दूसरी ओर कर्महीन अथवा आलसी व्यक्ति सदैव भाग्य पर निर्भर होते हैं। अपनी कमियों व दोषों के निदान के लिए प्रयास न कर वह भाग्य का दोष मानते हैं। उसके अनुसार जीवन में उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है या फिर जो भी उनकी उपलब्धि से परे है, उन सब में ईश्वर की इच्छा है। वह भाग्य के सहारे रहते हुए जीवन पर्यंत कर्म क्षेत्र से भागता रहता है। वह अपनी कल्पनाओं में ही सुख खोजता रहता है, परंतु सुख किसी मृग तृष्णा की भांति सदैव उससे दूर बना रहता है। लीडर पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं, और किसी चीज की तरह ये भी कड़ी मेहनत से बनते हैं। और यही वो कीमत है जो इस या किसी और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है, विंसे लोम्बार्डी द्वारा यह कहा गया है। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। आज यदि हम देश विदेश के महान अथवा सुविख्यात पुरुषों अथवा स्त्रियों की जीवन शैली का आलंकन करें, तो हम यही पाएंगे कि जीवन में उस ऊंचाई या प्रसिद्धि के पीछे उनके द्वारा किए गए सतत अभ्यास व परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। अब्राहम लिंकन जी एक गरीब मजदूर परिवार में हुए थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी वे अपने परिश्रम के बल पर एक झोपड़ी से निकलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। बहुत से ऐसे महापुरुष थे जो परिश्रम के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र जैसे महापुरुषों ने अपने परिश्रम के बल पर भारत को स्वतंत्र कराया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी अपने परिश्रम के बल पर ही राष्ट्रपति बने थे।
ये सभी अपने परिश्रम से ही महान व्यक्ति बने थे। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। परिश्रम से ही कोई व्यक्ति छोटे से बड़ा बन सकता है। अगर विद्यार्थी परिश्रम ही नहीं करेगा तो वह परीक्षा में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। मजदूर भी परिश्रम से ही संसार के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। वह संसार के लिए सड़कों, भवनों, मशीनों और डैमों का निर्माण करता है। बहुत से कवि और लेखकों ने परिश्रम के बल पर ही अपनी रचनाओं से देश को वशीभूत किया है। अगर आज देश के लोग आलस करते हैं तो आज हमें जो विशेष उपलब्धियां प्राप्त है वे कभी प्राप्त नहीं होती। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अतः हम सभी को परिश्रम के महत्व को स्वीकारना एवं समझना चाहिए तथा परिश्रम का मार्ग अपनाते हुए स्वयं का ही नहीं अपितु अपने देश और समाज के नाम को ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करें और यहाँ क्लिक करें हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए।